हे गाइस, सो आपका भाई वापस आ गया है और एक इन्फॉर्मेटिव एपिसोड लेकर टी के ऊपर। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो पे क्लियर नहीं किया या फिर दिमाग में नहीं आया हो क्लियर करने को इस टॉपिक पे, बट गैस आज मैं आप लोग को क्लियर करूँगा, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर है। मैं नाम भी बताऊँगा कौन सा इंस्टीट्यूट है, असम में है, सब कुछ बताऊँगा, डिटेल बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्लियर कर देता। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि भैया क्या बोले, ओपन यूनिवर्सिटी होता क्या है, मतलब क्या है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी का मैं डिटेल बताऊंगा, क्या मतलब क्या है ओपन यूनिवर्सिटी का बताऊंगा। सबसे पहले वेलकम बैक, मैं वीडियो हूँ, फिर सब बढ़िया होंगे। तो यस, बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे ओपन डोर एकेडमिक पॉलिसी होता है, मतलब आप जाके एडमिशन लेके आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। कोई इश्यू नहीं है कि आप कितने एज के हो, कुछ भी एज है आपका, कुछ भी जितना भी एज है आपका, आप जाके एडमिशन लेके यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी वहाँ पे। और यस, बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा मेहनत नहीं रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है वहाँ पे, आप पास हो जाते हो इजली क्योंकि ओपन डोर है, आप घर बैठ के पढ़ाई करो, एग्जाम दो और पास हो जाओगे, ऐसे लोग बोलते हैं। बट मैं मेरी मेरी मानो, अगर आप अगर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ओपन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं आप लोग चीज़ बताता हूँ यार, मेहनत करना ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी में भी उतना ही एडुकेटेड टीचर्स होते हैं जितने बाकी इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो यस जाके वहाँ पे पढ़ाई करना। और जो मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इतना बोलूँगा कि यार ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ाई करना, इंजॉय भी करना पढ़ाई तो, लेकिन करना आपको जो सिखाया जाएगा वो चीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना क्लास में, या फिर आप जैसे भी क्लास अटेंड करो, ऑनलाइन कर रहे हो या फिर जैसे भी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ये भाई का एडवाइस है। यस, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कौन सा कॉलेज है। सबसे पहले ये जो कॉलेज है, ये वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज है असम का, और ये एक लौता अफिलिएटेड कॉलेज है असम में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो ओपन यूनिवर्सिटी का। और ये कॉलेज का नाम है कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, मतलब काफ़ी पुराना है और काफ़ी एस्टेब्लिश भी हो चुका है अभी। और यस, यहाँ पे आपको हर अफिलिएशन बोर्ड मिलेंगे, जैसे कि ये हर एक बोर्ड से अफिलिएट है, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एकदम लीगलाइज ये लोग कोर्स कराते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लो उसके बाद आपको कहीं काम नहीं मिलेगा, आपको ऑफकोर्स काम मिलेगा, क्योंकि ये असम बोर्ड से अफिलिएट है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया से अफिलिएट है, काफ़ी बोर्ड से अफिलिएट है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट, आप लोग जानते हो मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ जब तक मुझे खुद कंफर्मेशन नहीं मिले इसके ऊपर, क्योंकि मुझे हाल ही में किसी ने यूट्यूब में नीचे कमेंट में दिया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं कंफ्यूज था कि ये कॉलेज का नाम तो मैंने पहले सुना नहीं। उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसके बाद जितने बड़े बड़े लोग को मैं जानता हूँ उन लोगों से बात करना स्टार्ट किया, उन लोगों ने बोला इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है असम में, या फिर इंडिया में बोल सकते हो, आप लोग जाओ एडमिशन लो और कुछ बन के निकलोगे। लेकिन यस, उसने उन्होंने ये भी बोला था कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो लोग क्या है ना, ओपन यूनिवर्सिटी में ये रूल्स चलता है कि यार वो लोग इतना आपको ध्यान नहीं देंगे, बट आपको अपने आप से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ाएंगे वो लोग, जो नोट देंगे, नोट्स देंगे, वो सब प्रिपेयर अच्छे से करना, क्योंकि आपका करियर आपके हाथों में है ना कि उनके हाथों में, वो तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ आपका करियर आपके हाथों में ही होता है, इसलिए प्लीज़ मेहनत करना ठीक है। तो चलो मैं अभी ओपन यूनिवर्सिटी का थोड़ा डिटेलिंग में जाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ क्या क्या कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, फीस कितना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सब कुछ बताता हूँ मैं आप लोग को। तो यस, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, क्या होने से आपने क्या किया होगा तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मोस्टली ये लोग डिमांड करते हैं 50-55% आप लोगों को मार्क्स होना चाहिए, और यह सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप 10th पास हो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है ये ओपन यूनिवर्सिटी है, कि आप जस्ट 10th पास हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और कोशिश करना कि साइंस और मैथ्स में आपका स्कोर 50-55% हो, मतलब जो उसके पहले के रिजल्ट है, कि डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो लोग, 10th का डॉक्यूमेंट मांगेंगे और 9th का हो सकता है वो लोग मांग सकते हैं।
यस यही एक एलिजिबिलिटी है। बट यस अगर आप 11 12 पास हो, मतलब मैंने बोला ना आपको पहले कि कोई एज बैरियर नहीं है, कभी भी जाके एडमिशन ले सकते हो ये चीज़। और इसका स्पेशलाइजेशन कोर्सेज क्या क्या है, फील्ड क्या क्या है इस ओपन यूनिवर्सिटी में, कृष्णा कांता हैंडिक ओपन यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा बड़ा नाम है ना, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है जब मैं बोलता हूँ ना पूरा नाम तो मिस हो जाता हूँ, इसलिए आप समझ सकते हो भावना मेरा तो इसलिए। बट जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा कॉलेज भी है, उतना बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, तो इसलिए कोई सोचना मत, जाके एडमिशन ले लेना। कुछ ये मत सोचना कि यार यहाँ पे करियर सेट होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा, जो बाकी इंस्टीट्यूट में जैसा आप करोगे वैसा यहाँ पे भी करोगे, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है तो इसलिए। और यस स्पेशलाइजेशन क्या क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को लोग सिखाएंगे टी टेस्टिंग, वो इम्पॉर्टेंट है टी टेस्टिंग। रिसर्च ऑफकोर्स करना सिखाएंगे, प्लांटेशन मैनेजमेंट सिखाएंगे, टी ब्रांडिंग सिखाएंगे, टी मार्केटिंग सिखाएंगे, टी ब्रोकरेज सिखाएंगे। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग क्लियर नहीं किया कि कितना ड्यूरेशन है ये कोर्स का। तो बेसिकली ये जो टी प्लांटेशन मैनेजमेंट है इनका जो कोर्स है वो 6 महीना का है, 6 मंथ। और फीस भी मैं आऊँगा, फीस में बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जगह है। मतलब वहाँ पे आप जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सिर्फ इतने में, मतलब बहुत ही सस्ता। मैं आऊँगा उस पर भी। ठीक है, सो ये जो पार्ट है मैं 10-15 मिनट बाद शूट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा भी एंगल चेंज लग रहा हो तो समझ जाना कि इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था मेरा। तो यस बेसिकली जल्दी से मैं आप लोग को ये कवर करता हूँ कि कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से पार्ट वो लोग कवर करेंगे इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सब चीज़ वो लोग कवर करेंगे, बट मैं आप लोग को 3-4 नाम बता देता हूँ जो प्रोडक्ट वो लोग डिलीवर करने वाले हैं आप लोग को यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन टू टी एंड कल्टीवेशन, सेकंड है सॉयल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, थर्ड है प्लांटिंग मटेरियल ऑफ टी, फोर्थ है लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग। ये जो 4 पार्ट है ये आप लोग कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम में भी आएगा आप लोग को। तो आप लोग ये 4 चीज़ अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से मेहनत करना है इन 4 चीज़ों में, अपने ऊपर भी अपनी तरफ से भी रिसर्च करना अच्छे से, और आप लोग इजीली जाओगे टी गार्डन में तो सब कुछ कर पाओगे, मेरा वर्ड है। तो यस अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में आते हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा चलता है ओपन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ का जो फीस है पर सेमेस्टर वाइज लेते हैं ये लोग, जो कि है आप लोग का 3000। ठीक है, 3000 रुपये आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, जिसमें से एक्स्ट्रा आप लोग को और देना पड़ेगा जो कि एनरोलमेंट फीस हो गया है, कोर्स फीस हो गया, एग्ज़ाम फीस हो गया, वो एक्स्ट्रा लगता है। ये जो मैं 3000 बोल रहा हूँ ये सिर्फ कोर्स का फीस है, लेकिन एनरोलमेंट फीस हो गया, ये सब जो है आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो टोटल मिला के आप लोग को पे करना पड़ेगा 4535। ये टोटल अमाउंट है जो कि आप लोग को पर सेमेस्टर फेस करना पे करना पड़ेगा। एंड यस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है आपके पास इतना पैसा नहीं हो फिलहाल एट प्रेजेंट, तो आप लोग वहाँ पे डिले ऑप्शन भी ले सकते हो कि हम लोग हाफ ऑफ पे करें, जैसे कि आप 4000 पे कर दो अभी, बाद में 2000 पे कर दो, ऐसा भी चलता है, बाय एंड ऑफ सेमेस्टर आप पूरा पे कर दो, ये भी उन लोग का चलता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप लोग जाके रिक्वेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन दे के उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी में वो लोग मान लेते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आ गया हो, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, जाओ पढ़ो अच्छे से करो, और ऐसा नहीं कि यार मतलब मेहनत नहीं करोगे, मतलब कि अगर कोई आपको प्रेशर डाल रहा है तभी आप मेहनत करोगे, प्रेशर नहीं डाल रहा तभी मेहनत करो, क्योंकि मैं क्योंकि अपना करियर ना किसी और के हाथ में नहीं हो तो अपने हाथ में हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, तो इसलिए आप लोग कर लोगे जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग हो ही स्मार्ट। तो चलो मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सबको बताएं क्या करना है, एंजॉय योर डे, एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ माँ बाप का इज्जत करो, बड़ों का इज्जत करो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। बाय।